बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहर्रम खेलने के दौरान दो युवक घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए घायल युवकों के साथियों द्वारा बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर इलाज करने के दौरान घायल युवकों के साथियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा दे रहे डॉक्टर और स्टाफ कर्मियों के साथ मारपीट किए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शीशे का दरवाजा को तोड़ दिए। इस मारपीट घटना के दौरान दो स्टाफ कर्मी पूरी तरह से लहूलुहान हो गए, जिसके बाद घायल स्टाफ कर्मी ने इस घटना की सूचना बलियापुर थाना प्रभारी और बलियापुर प्रखंड के वीडियो को दी। बलियापुर थाना प्रभारी और वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और डॉक्टर और स्टाफ कर्मी को न्याय दिलाने का आश्वासन दिए, जिसके बाद लहूलुहान स्टाफ कर्मियों ने पुनः लोगों की सेवा में जुट गए। यहाँ पे आदमी लोग आया, ये लोग अचानक बहुत सारा ऐसा आदमी आया, कुछ दिन में सर लोग नशा में था नहीं क्या, उधर से लड़ाई करके आया है। आया आते ही धक्का मुक्का स्टार्ट कर दिया। अब तुरंत क्विकली ट्रीटमेंट खोज रहा था, जब तक हम लोग ट्रीटमेंट पहले से कर रहे थे दो दिन का, अब उसका करेंगे तब ना करेंगे। और हल्का से ही चोट लगा था, उन लोगों को थोड़ा मोड़ा चोट लगा था। अब जैसे ही आते हुए क्या किया, वो लोग स्टाफ पर उधर हमला कर दिया, शीशा उसे तोड़े लगा, मार लगा, दो तीन को डंडा लेके, और लोग पास वेपन विद था, वेपन के साथ में वो लोग आया हुआ था, और वेपन उन लोगों को नियम है, शायद वेपन हाथ में था वो लोग सबके। हमको तो सटा भी दिया था एक दो को, करेगा कि नहीं कि घुसेड़ दे, और गाली के साथ तो यूज कर रहा था, अभी गंदा वर्ड, ऐसा वर्ड तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, आप इस तरह का इससे ज़्यादा खराब खराब गंदा वर्ड यूज कर रहा था हम लोग। आपके साथ मारपीट की घटना हुई है, मारपीट की घटना जो है कुछ लोग जान पहचान हो पाई? हम उतना पहचान नहीं पाएंगे, गैदरिंग में हम किसका भीड़ पहचान पाएंगे, मगर ऐसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे। प्रशासन आए थे क्या? प्रशासन ही आए थे। क्या कुछ थोड़ा लेट से आए थे, मगर आए थे, ऐसे सब तो पूरा काम हो करके चले गए हम सब। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे सर, हम लोग जो किया है उसको सजा दिया जाएगा। कहाँ चोट लगी आपको? हमको देखिए लगे, देख अब देख सकते हैं अंदर में चोट लगा, हम ट्रीटमेंट करा लिए हैं, लगा है शीशा उशा से पता नहीं कोया, और हमारे स्टाफ को ज़्यादा लगे हैं हमसे ज़्यादा। किसको लगा स्टाफ? मनोज नाम है, LT है। कौन सा पद पे हो? वो LT है, मैनेजमेंट काम करते हो देश। आपका क्या नाम? मेरा किशोर कुमार साहब नाम है। घटना के बोले पहले तीन मरीज आया था, उसको हम लोग इलाज कर रहे थे, जिनमें दो मरीज इलाज करके चला दिए थे, तीसरा के चल रहा था। उतने में उसको हम कंपाउंडिंग रूम में दवा लेने आए उसको देने के लिए, बोले उसमें उन लोग 8-10 आदमी आया, डायरेक्ट आके हंगामा चालू कर दिया, कोई किसी कोई पहले कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आके मतलब तोड़ फोड़ चालू कर दिया। हमारे डॉक्टर साहब थे उसके साथ मार कर, उनको बचाने में हमको चीज चोट लगा। उसके बाद फिर मेरा और दो को तीन स्टाफ थे सबके साथ हुई, हम लोग तो खाली थे, मतलब हम लोग तो लाठी उठी प्लस तलवार हुआ जो भी जब खिला में लगता सब ले हुए थे, तो हम लोग डर गए भाई कि हम लोग को मार देगा, क्या करेंगे हम लोग, और सब पूरा मारपीट करके चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ थाना प्रभारी के फोन लगाया, वो मतलब कि नहीं उठा पा रहे थे मथी कारण, उसके बाद यहाँ से हम चले गए स्टेज पर जाकर वहाँ अनाउंस किए कि बलियापुर थाना प्रभारी कहीं भी हो जाए हॉस्पिटल, वहाँ हम लोग स्टाफ के साथ थे, मारपीट कर रहा है और वहाँ हंगामा कर रहा है, तब थाना प्रभारी और BDO साहब यहाँ आए, तब यहाँ हंगामा कम हुआ। कितने स्टाफ आप लोगों को घायल हुए? हम लोग यहाँ से मारपीट 5 स्टाफ के साथ किया है, 5-6 स्टाफ हम लोग ड्यूटी में भी हैं, जिनका ड्यूटी स्पेशल दिया गया था रोस्टर से, लोग सब तैनात थे। क्या कुछ मांग करते हैं? ऐसे सरकारी आप लोग कर्मचारी है, सेवा दे रहे हैं आजकल खासकर मुहर्रम के सब दिन में, और आप लोग के साथ इस तरह की दुर्घटना घटना, तो क्या कुछ हम लोग कहते हैं कि उनका अरेस्ट किया जाए, उन पर FIR किया जाए, हम तो FIR करेंगे ही। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार।